हमारे हिंदुओं की शादी में आपने दूल्हे के जूते चुराने की रस्म तो जरूर सुनी होगी या देखी होगी, जो हमारे लिए तो एक नॉर्मल सी चीज है, पर बाहर के लोगों को ये रिवाज वियर्ड लग सकता है। पर क्या आप जानते हैं कि शादी होने के बाद न्यू मैरिड कपल के घर के बाहर लोग बर्तन पीटने लगते हैं? जी हाँ दोस्तों, ये रिवाज फ्रांस में किया जाता है। ऐसे ही कई वियर्ड मैरिज ट्रेडिशन के बारे में बताने वाला हूँ आज की इस इंटरेस्टिंग सी वीडियो में, तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 9, आप अपनी शादी की पहली रात आराम से बिताना चाहते होंगे, पर फ्रांस में एक ऐसा रिवाज है जो ऐसा होने नहीं देगा, जिसके मुताबिक शादी की पहली रात में परिवार और दोस्त और बाकी पड़ोसी घर के बाहर इकट्ठा होकर बर्तन और तवे पीटना शुरू करते हैं। और इस सदियों से चलने वाली पुरानी फ्रांस की परंपरा को चारीवारी कहा जाता है। क्या आप चारीवारी का मतलब जानते हैं? कमेंट करके जरूर बताना। नंबर 8, मोरिटेनिया में दुल्हन को शादी से पहले हेल्दी होना पड़ता है, और हेल्दी से मेरा मतलब है मोटापे से। यह उनकी परंपरा है और इसे उनके यहाँ एक आकर्षण माना जाता है, इसलिए वहाँ के दुल्हन को वजन बढ़ाने के लिए मॉन्स्टर डाइट खिलाई जाती है। पर इस परंपरा से कुछ महिलाएं बीमार भी पड़ जाती हैं और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का शिकार भी हो जाती हैं। नंबर 7, साउथ कोरिया में कुछ ऐसी जगहें भी हैं जहाँ लोगों का मानना है कि शादी से पहले रात को दूल्हे को तैयार करने से पहले उसके पैरों को मरी हुई मछलियों और बांस के डंडों से पीटना पड़ता है। यहाँ के कुछ इलाकों में रहने वाले लोग इस रीति को अपनाते हैं, पर वो ऐसा करते क्यों हैं? वो दूल्हे को शादी के लिए तैयार कर रहे हैं या फिर किसी जंग के लिए? चलो चौक सपाट गाइस, पढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट रिवाज पर। नंबर 6, स्कॉटलैंड में एक रिवाज है जिसके मुताबिक दुल्हन को गंदे से गंदे कीचड़ और भी ऐसी चीज जिससे दुल्हन को उसके परिवार वाले और उसके दोस्त सब मिलकर नहलाते हैं, उसके बाद उन दोनों को पेट से बांध दिया जाता है। और ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि दूल्हा और दुल्हन यह साबित कर सके कि वे किसी भी चीज के लिए तैयार हैं। नंबर 5, चाइना में एक रिवाज है जिसके मुताबिक दुल्हनों को अपनी शादी से पहले एक महीने तक रोजाना एक घंटे तक रोना पड़ता है, और घर की अन्य महिलाएं रिश्तेदार भी इसमें शामिल होती हैं। चीन में जब ये रिवाज होता है तो वहाँ के लोगों को पता चलता है कि एक अच्छी शादी या कार्यक्रम होने वाला है। नंबर 4, फिजी में एक अलग तरह की परंपरा का पालन किया जाता है। इस रिवाज के अनुसार जब कोई पुरुष शादी के लिए लड़की का हाथ मांगने के लिए उसके पिता के पास जाता है तो उसे वेल का दांत अपने होने वाले ससुर को गिफ्ट करना पड़ेगा। अब क्या वो वेल का शिकार करने निकलेगा क्या यार? नंबर 3, स्वीडन में शादी समारोह के दौरान यदि कोई दूल्हा कमरे से बाहर निकलता है तो सभी पुरुष दुल्हन को चूमने के लिए खड़े हो जाते हैं, और अगर कोई दुल्हन खुद को बाथरूम में जाने के लिए मना करती है तो सभी महिलाएं दूल्हे को चूमने के लिए लाइन में लग जाती हैं। नंबर 2, पोल्टेरा बैंड एक जर्मनी शादी का रिवाज है जिसमें शादी से एक रात पहले मेहमान कपल की शादी में चीनी मिट्टी के बर्तन को तोड़ते हैं, और उनके लोगों का मानना है कि इससे उन कपल्स की शादी अच्छी रहेगी। नंबर 1, फ्रेंच पोलिनेशिया के मार्केस आइलैंड के लोग शादी के समय एक रिवाज को मानते हैं। इसमें सारे रिश्तेदार जमीन पर लेट जाते हैं और कपल्स उनके ऊपर चढ़ के जाते हैं। सो गाइज, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।